अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद नईम, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्जोटिक्स बर्ड्स के पिके में ताज़ा ताज़ा छली, नरम नरम छली, खस्ता खस्ता छली। आज मैं अपने बर्ड्स को देख लें, ये छली खिला रहा हूँ इंशाल्लाह, छली आज उनके लिए रख रहा हूँ। आज मार्केट में माशाल्लाह छली आ गई है दोस्तों, आज मैं बर्ड्स के लिए लेकर आया हूँ। ये माशाल्लाह देख लें, बच्चों को काम पे लगाए हुए बच्चे लगे हुए हैं माशाल्लाह। छली को आप देख सकते हैं कि कैसे सफ़ा कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने कैसे माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से कर लिए, छलियों को साफ़ कर लिए। अभी इंशाल्लाह हम जाके ये बर्ड्स को रखने वाले हैं। ये देख लें माशाल्लाह, बहुत खस्ता ताज़ा, ये देख लें, ये आप देख सकते होंगे, ये देखें, ये ऐसे करेंगे बीच में से दूध निकलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ताज़ा छली है, तो आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। तो ये आज हम अपने बर्ड्स के लिए इंशाल्लाह लेकर आए हैं, आज ये बर्ड्स को रखने वाले हैं इंशाल्लाह। ये देख लें बिल्कुल ताज़ा, ऐसे दिल तो करते हैं खुद ही खा लें, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ताज़ा छली है। आज ये हम अपने बर्ड्स को रखेंगे और आपको बताएँगे कि दोस्तों छली के फ़वाद क्या हैं। ये जिसको मतलब छली भी बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, इसको सिल्टा भी बोलते हैं और इसी तरह इसके मुख्तलिफ नाम हैं, तो इसको पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये अभी हम बर्ड्स को रखेंगे, देखेंगे कि इसको कैसे मज़े से खा रहे हैं। तो चलें अभी जा रहे हैं, बर्ड्स को रख रहे हैं, आपको फिर बता रहे हैं कि किस तरह माशाल्लाह बर्ड्स इसको मज़े से खा रहे हैं। दोस्तों जी दोस्तों ये देख लें, ये मसूद ने उठा लिए हैं, अभी हम तोतों को रखने जा रहे हैं। चलो बेटा चलो आगे जाए, ये अभी हम रख रहे हैं उसको माँ, ये देखें जी अब ये हम रखने जा रहे हैं तोतों को माशाल्लाह। ये मेरे भतीजे ने उठाए हुए हैं छलियाँ, अब ये देखें हम ये इंशाल्लाह तोतों को खिलाएंगे माशाल्लाह। तोते भी बड़े मज़े से ये अभी अंदर से आवाज़ें लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अभी ये देखें, अभी हम ये जा के रख रहे हैं तोतों को इंशाल्लाह, ये देख लें, ये मसूद ने उठाए हुए हैं, तो अभी हम रख रहे हैं। हाँ जी दोस्तों ये देख लें, अभी मैंने ये प्लेटों में डाल दी हैं छलियाँ, अभी इंशाल्लाह हम इनको रखने जा रहे हैं। तो ये आप माशाल्लाह देख रहे हैं, तो ये माशाल्लाह ये देख लें, अभी हम इन सबको रख रहे हैं, तो देखते हैं ये माशाल्लाह कैसे खाते हैं, इन्जॉय करते हैं इनको। तो दोस्तों अभी हम इनको रख रहे हैं, तो देख लें दोस्तों। अक्सर मैं आपको ये बताने जा रहा था कि इनके फ़वाद क्या हैं। दोस्तों ये जो छली होती है इसमें हर किस्म की कैल्शियम होती है, हर किस्म की विटामिन होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा ब्रीड के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा बेहतरीन फार्मूला है, सबसे ज़्यादा। ना आपको किसी दोस्तों विटामिन की ज़रूरत है, ना आपको दोस्तों किसी मतलब कोई चीज़ लगाने की कैल्शियम की ज़रूरत है। दोस्तों ये सबसे बेहतरीन कैल्शियम है, देसी कैल्शियम है, सबसे बेहतरीन कैल्शियम है। दोस्तों आप ये अपने बर्ड्स को लगाएं तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों ये ऐसी चीज़ है कि आप जब ये अपने बर्ड्स को मतलब खिलाएंगे, एक तो ये है कि ये दोस्तों इससे बहुत मज़े से खाते हैं, ये ऐसी मतलब ये मज़े कैसे खाते हैं बर्ड्स, इसको इंजॉय कर करके ये खाते हैं। ये देख लें जैसे रखें आगे बर्ड शुरू हो गए खाने के लिए। दोस्तों ये सारे बर्ड्स की तकरीबन ये समझ लेंगे ऑस्ट्रेलियन बजरी से लेके बड़े बर्ड्स तक सबकी ये फेवरेट चीज़ है, सबकी बेहतरीन चीज़ है, खुराक है। ये देख लें माशाल्लाह कैसे मज़े से खा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा था, ये आप अपने बर्ड्स को रखेंगे तो माशाल्लाह आप इनसे बेहतरीन ब्रीड, बेहतरीन किस्म की ब्रीड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आप इनको अपने बर्ड्स को ज़रूर रखें, अभी आजकल छली का सीज़न चल रहा है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो है दाना जैसे रख रहे हैं, मतलब दाने से जैसे दाना रखेंगे दोस्तों वही हिसाब पड़ जाता है जितने का आप दाना लाते हैं, तो आप अपने बर्ड्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा आजकल छली दें, मतलब जिस चीज़ का सीज़न हो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ प्रोवाइड करें। क्योंकि दोस्तों अक्सर इस चीज़ की और ये जो चीज़ होती है, जब सीज़न की कोई चीज़, इंसान भी जब जो सीज़न होता है सीज़न का फल खाता है तो उसमें वो फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों ये बर्ड्स के लिए बहुत इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। ये देखें अभी ग्रे को रख लूँ माशाल्लाह, ये बाहर से भागे भागे आ रहा था, ये देख लें माशाल्लाह अभी आ रहे हैं।
तो ये भी इंशाल्लाह खा रहे हैं इसको। तो दोस्तों ये आप अपने बर्ड्स को छली वगैरह रखें और इनसे अपने बर्ड से बेहतरीन किस्म की ब्रीड लें। दोस्तों ये आजकल तो मैं आपको यही कहूँगा कि आजकल अपने बर्ड्स को दाना वगैरह बिल्कुल भी ना रखें, बहुत काम रखें, दाना रखें ये ना न रखें, मगर ये कि आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये छलियाँ वगैरह ये चीज़ें रखें और अपने बर्ड से माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की ब्रीड लें दोस्तों, क्योंकि ये जो होते हैं बेहतरीन बर्ड्स के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ें और इससे बहुत अच्छी ब्रीड आती है। और दोस्तों बर्ड्स के अंदर जितनी भी कैल्शियम वगैरह होती है, जितनी मतलब कमी होती है, तो ये सारी कमी अल्लाह के हुक्म से इससे पूरी होती है। तो दोस्तों ये आप अपने बर्ड्स को रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की ब्रीड दोस्तों ये आपको इससे मिलेगी बर्ड से। और बर्ड्स के अंदर जितनी कमजोरियाँ होंगी, जितनी कमी होंगी, तो अल्लाह के हुक्म से वो सारियाँ कमियाँ कमजोरियाँ भी इससे पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप अपने बर्ड्स को ये छली वगैरह ज़रूर रखें। आजकल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ताज़ा छली आई हुई है, तो जब आजकल आपको ये मतलब ये ऐसे नरम किस्म की छलियाँ लेके आएँ तो ये माशाल्लाह बर्ड्स खाएंगे और इनसे बेहतरीन मतलब ब्रीड आएगी दोस्तों। और बर्ड्स के अंदर जितनी भी कमियाँ वगैरह होंगी जितनी, तो दोस्तों उससे वो भी बर्ड्स की पूरी ये देख लें माशाल्लाह ये बच्चे भी खा रहे हैं मज़े मज़े से अपने लिए बना के, और ये मैं बर्ड्स को भी साथ साथ रख रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ें आप अपने बर्ड्स को खिलाएं, अपने बर्ड्स को रखें और बर्ड्स से माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की ब्रीड लें। और जितनी ज़्यादा बर्ड्स के अंदर कमियाँ कमजोरियाँ कैल्शियम के, उनसे ये सारी मतलब दूर हो जाती हैं। और दोस्तों बेहतरीन बर्ड्स के लिए बेहतरीन फार्मूला है। मैं आपको अभी ये दोबारा ये चीज़ समझाऊँगा कि अगर आप ये इनको रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी विटामिन या किसी कैल्शियम की ज़रूरत हो रखने की। तो दोस्तों ये आप अपने बर्ड्स को मतलब छली रखें, सिल्टे इनको खिलाएं और इंशाल्लाह आप अपने बर्ड्स से बेहतरीन किस्म की ब्रीड लें, क्योंकि दोस्तों आजकल इनका सीज़न चल रहा है। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि छोटे बड़े जितने भी बर्ड्स हैं सारे बर्ड्स की बेहतरीन किस्म की ये खुराक है दोस्तों। इससे मतलब बर्ड्स जितने भी हैं एक तो खाते हैं इसको बहुत मज़े से शौक से इंजॉय करके खाते हैं, और दोस्तों दूसरी इनके इससे बेहतरीन किस्म की ब्रीड आती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आप अपने सारे बर्ड्स को ये आजकल आ रही है मार्केट में ताज़ा छली आई हुई है, तो इसको रखें, खुद भी खाएं और अपने बर्ड्स को भी खिलाएं और भरपूर बर्ड से ब्रीड लें। तो दोस्तों ये देख लें मैंने अपने अभी बर्ड्स को रखा, ये देख लें ये सारे के सारे माशाल्लाह शुरू हो गए खाने के लिए, मतलब इंतज़ार भी नहीं करते कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह खाने के लिए। तो दोस्तों आप दोस्तों से गुजारिश है मेरा जो चैनल है एग्जॉटिक्स बर्ड्स के पीके को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आप लाजमी जो है मतलब ताकि जितने भाई हैं उनको भी ताकि इस चीज़ का मतलब पता चले कि बर्ड्स के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और बर्ड्स के लिए क्या चीज़ नुकसान है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये देख लें माशाल्लाह सारे के सारे लगे हुए हैं, क्रिम्सन बेलेट कुन्योर खा रहे, ऊपर येलो रिंग नेक को देखें, नीचे सन कुन्योर को देखें, सारे के सारे खाने स्टार्ट हो गए। उधर अफ्रीकन ग्रे को चेक करें, वो भी माशाल्लाह खा रहे हैं। इसी तरह सारे के सारे बर्ड्स लगे हुए हैं। ओके दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।